आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है एंटेरोबैक्टीरियासिस। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज एंटेरोबैक्टीरियासिस। एक्चुअली एंटेरोबैक्टीरियासिस इज द ग्रुप ऑफ दे आर लार्ज ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया। एंटेरोबैक्टीरियासिस क्या है कि ये एक फैमिली है, लार्ज फैमिली है जो ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया से उनका ताल्लुक है। और ये आपको पता है क्यों हम स्टडी करते हैं, इसलिए हम स्टडी करते हैं कि जितनी भी हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन है, कम्युनिटी रिक्वायर्ड इन्फेक्शन है, मोस्टली जो है ये एंटेरोबैक्टीरियासिस का फैमिली इसमें जो है क्या है इन्वॉल्व है। एंटेरोबैक्टीरियासिस की अगर हम बात करें तो इसका ताल्लुक इसका पाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया से है और क्लास इसका गैमा प्रोटोबैक्टीरिया है और आर्डर इसका क्या है एंटेरोबैक्टीरियल से उनका ताल्लुक है आर्डर से। तो एंटेरोबैक्टीरियासिस के ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटेरोबैक्टीरियासिस आपने किस तरह याद करना है। तो आपने याद करना है SSSEKPY, ये फार्मूला आपने याद करना है SSSEKPY। ये इसमें जो आठ पैथोजिन है, एट पैथोजिन, ये बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ इसमें इन्वॉल्व है। एट पहले एस का मतलब है सलमोनेला, दूसरी का मतलब है शिजेला, तीसरे एस का मतलब है सेरिशिया, डबल ई का मतलब क्या है एस्क्रीशिया एंटेरोबैक्टर, के का मतलब है क्लेप्सेला और पी का मतलब है प्रोटियस और वाई का मतलब क्या है येरसिनिया। तो ये आपने याद करना है SSSEKPY, सलमोनेला, शिजेला, सेरिशिया, इकोला, एस्क्रीशिया, एंटेरोबैक्टर, क्लेप्सेला, प्रोटियस और येरसिनिया। और बाकी जो आपको पता है कि और आपने एक फार्मूला याद किया सिटीजन एजुकेशन प्रोवाइड मोर हैप्पीनेस। तो सिटीजन का सिट्रोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, प्रोविडेंशिया और मोर मार्जिनेला, हैप्पीनेस का हैपनिया। तो ये आपने इस तरह याद करने SSSEKPY, सिटीजन एजुकेशन प्रोवाइड मोर एजुकेशन। तो आपको क्या होगा कि आपको जो है सारी नाम आपको याद आएगी। अभी इसके एंटीजन्स की हम बात करते हैं, एंटेरोबैक्टीरियासिस की एंटीजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें एंटीजन्स होता है सोमेटिक एंटीजन्स। सोमेटिक एंटीजन्स जो है आपको पता है सोमेटिक एंटीजन किस किसे कहते हैं, ये वो एंटीजन्स होते हैं जो इसको हम ओ एंटीजन भी कहते हैं। सोमेटिक एंटीजन को हम ओ एंटीजन कहते हैं। इसके आपको पता है कि ये वो एंटीजन होते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, एंडोटॉक्सिन होता है। ये तो सारे एंडो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इस वजह से इसमें क्या है एंडोटॉक्सिन मौजूद है। तो सोमेटिक एंटीजन के बेस पे आपको पता है कि इकोलाई की तकरीबन 150 टाइप्स है और सलमोनेले की 1500 टाइप है। और इसको हम क्या कहते हैं ओ एंटीजन, सोमेटिक एंटीजन या आउटर एंटीजन कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो एक इम्पोर्टेंट एंटीजन है वो है एच एंटीजन। एच एंटीजन कौन सा एंटीजन होता है, प्लेजिलर एंटीजन को हम एच एंटीजन कहते हैं। तो आपको पता है कि कुछ वो बैक्टीरिया जिसमें फ्लेजिला मौजूद होता है तो इसमें एच एंटीजन मौजूद होगा, जिसमें फ्लेजिला मौजूद नहीं होता इसमें फिर एच एंटीजन मौजूद नहीं होता। क्लेप्सिला और शिजिला चूंकि नॉन मोटाइल है इसमें फ्लेजिला मौजूद नहीं है तो इसमें एच एंटीजन जो है वो क्या है वो एबसेंट है। एक और एंटीजन इसमें है, इसको हम कैप्सुलर एंटीजन कहते हैं, इसको हम के एंटीजन भी कहते हैं, इसको कैप्सूल कहते हैं। वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल मौजूद होते हैं, जो कैप्सुलेटेड होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं इस एंटीजन को हम कैप्सुलर एंटीजन कहते हैं और इस बैक्टीरिया को हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लेप्सिला जो है वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इकोलाई भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है और सलमोनेला भी क्या है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। ये आप किस तरह मालूम करेंगे, इसके लिए एक टेस्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं कोलिंग रिएक्शन। क्वेलिंग रिएक्शन के थ्रू हम मतलब ये फाइन करते हैं कि बैक्टीरिया में कैप्सूल मौजूद है या नहीं है। ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। इंपॉर्टेंट जो कॉमन प्रॉपर्टीज है एंटेरोबैक्टीरियासिस की वो आपको पता है कि तीन है। जितने भी आल आर फैकल्टेटिव एनएरोब, जितने भी एंटेरोबैक्टीरियासिस की फैमिली है इसमें जितनी भी बैक्टीरिया है वो क्या है वो जो है फैकल्टेटिव एनएरोब है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि आल आर फर्मेंट ग्लूकोज, जितनी भी बैक्टीरिया है वो सारे ग्लूकोज को क्या करते हैं फर्मेंट करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि आल एंटेरोबैक्टीरियासिस फैमिली मेंबर्स आर दे आर ऑक्सीडेज नेगेटिव। इसमें चूंकि साइटोक्रोम मौजूद नहीं है तो वो ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है। अभी जो इंपॉर्टेंट इसके लिए मीडिया यूज होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास अगर
अगर आप एंटीरो बैक्टेरिया की कोई फैमिली जो है आप मेंबर जो है फैमिली की मेंबर मालूम करना चाहते हैं तो आपको पता है आप दो मीडिया यूज़ करते हैं लैब में इसके लिए। एक मीडिया है मिकान की ईगर और दूसरा में है एयूसिन मिथाइलिन ब्लू ईगर। मिकान की ईगर क्या है? मिकान की ईगर में दो चीज़ें होते हैं, एक होता है लैक्टोज और दूसरा है न्यूट्रल रेड। तो लैक्टोज में लैक्टोज इस बतौर सब्सट्रेट यूज करते हैं और न्यूट्रल रेड जो है वो इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह मतलब कर रहे हैं। ये मिकॉन कीगर जो है ये डिफरेंशियल मीडिया है। ये डिफरेंशियल मीडिया क्यों है कि एंटीरो बैक्टेरिया की जितनी भी मेंबर है इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर करते हैं मिकॉन कीगर पे। आप क्या करते हैं सपोज ये आपके पास मिकॉन कीगर है, आप इस पे क्या करते हैं कि आप इस पे इकोलाई को ग्रो करते हैं। लेट सपोज तो इकोलाई क्या है, वो लैक्टोज फर्मेंटर है। वो क्या करेगा, जब ये इकोलाई लैक्टोज को फर्मेंट करेगा तो क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा। जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो वो एसिड क्या करेगा, इस न्यूट्रल रेड को रीड करेगा। तो इकोलाई की कॉलोनी जो है वो आपको क्या नजर आएगी, मिकॉन की ईगर पर रेड नजर आएगी। क्यों रेड नजर आएगी, क्योंकि वो लैक्टोज फर्मेंटर है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर जो है सलमोनेला और शिजेला, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेगा। जब आप इसको मिकॉन की ईगर पर ग्रो करेंगे तो ये सर प्रोडक्शन नहीं होगा और फिर क्या होगा, न्यूट्रल रेड जो है वो रेड नहीं होगा, तो व्हाइट कॉलोनी आएगी आपको। तो शिजेला और सलमोनेला नॉन फर्मेंटर है तो इसकी कॉलोनी आपको क्या नजर आएगी, व्हाइट आएगी। तो आप लैब में क्या करेंगे, मिकॉन की ईगर पर एंटीरो बैक्टेरिया को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक मीडिया है, जो आपको पता है डिफरेंशियल सेलेक्टिव मीडिया है एंटीरो बैक्टेरिया के लिए, वो है एयूसिन मिथाइलिन ब्लू। एयूसिन मिथाइलिन ब्लू में क्या होता है, इसमें अब खास डाई होता है, इस डाई का नाम क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू। वो क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्रो करते हैं, इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इस पर ग्रो करते हैं। तो ये हो गया एंटीरो बैक्टीरिया और इसकी इंपॉर्टेंट मेजर प्रॉपर्टी। कल हम स्टार्ट करेंगे एंटीरो बैक्टीरिया में कि सलमोनेला डिस्कस करेंगे और सलमोनेला की जो डिजीज है वो डिस्कस करेंगी।